अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम उर्दू में कहानी की रीडिंग करेंगे। कहानी का नाम है सारस और लोमड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारस और लोमड़ी। किसी जंगल में एक सारस रहता था, उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। सारस और लोमड़ी दोनों दोस्त बन गए थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने की दावत दी। सारस लोमड़ी के आ गया। लोमड़ी ने शोरबा बना रखा था। उसने शोरबा चपटी चपटी थालियों में डाला हुआ था। लोमड़ी उन थालियों में आसानी से खा सकती थी, मगर सारस क्या करता? वह अपनी लंबी चोंच से थाली में ठोंगे मारता रहा, मगर कुछ भी ना खा सका। नतीजा ये हुआ कि लोमड़ी तो सारा शोरबा चट कर गई और सारस भूखा रहा। खाना खत्म हुआ तो लोमड़ी ने पूछा, क्यों भाई सारस, शोरबा अच्छा था, तुमने पेट भर कर पिया? सारस ने जवाब दिया, आपने दावत की बड़ी मेहरबानी, आप कल मेरे यहाँ खाना खाना खाएं। लोमड़ी ने दावत कबूल कर ली। अगले दिन लोमड़ी सारस के यहाँ खाना खाने गई। वह बहुत खुश थी। दिल में सोच रही थी, खाना मजेदार होगा, खूब पेट भर कर खाऊंगी। सारस ने भी खाने में के लिए मछली का शोरबा बनाया था। उसने शोरबा एक तंग मुंह वाले बर्तन में डाल रखा था। जब दोनों खाने लगे तो सारस ने बर्तन में अपनी लंबी चोंच डाल कर शोरबा पीना शुरू किया। लोमड़ी अपना मुंह बर्तन में डाल ही नहीं सकती थी, इसलिए वो शोरबा चख भी ना सकी। पैर ही से बर्तन चाटती रही और भूखी रही। वो कुछ कह भी ना सकती थी। उसने भी तो सारस को भूखा रखा था। फ्रेंड्स, आप इन छुट्टियों में अपना होमवर्क फिनिश करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस भी देखें। अल्लाह हाफिज़।